सो मैं डायरेक्टली मेरी फैमिली से ही बात करूंगी। मॉम्स एंड क्या फायदा अगर आपके प्रोडक्ट्स एक माँ को ही नहीं रिसीव हो पा रहे हैं और बहुत सारी ट्रबल आ रही हैं। सो गाइस, अभी आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्लर्प फार्म प्रोडक्ट्स। और आज जो मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ, इससे मेरे व्यूअर्स को भी हेल्प मिलेगी, सब्सक्राइबर्स को भी हेल्प मिलेगी और उन लोगों को भी हेल्प मिलेगी जो बहुत ज़्यादा पेड प्रमोशन करके हल्ला करते ही रहते हैं। सो गाइस, पेड प्रमोशन आज के टाइम पे बिल्कुल कॉमन सी बात है, बार्टर प्रमोशन कॉमन सी बात है। ब्रांड, हर एक तरह का ब्रांड अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके के कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर को अप्रोच करता है, यूट्यूबर्स को अप्रोच करता है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी अप्रोच करता है उनके ब्रांड का प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए एंड ऑल्सो सेल्स वैल्यू बढ़ाने के लिए भी। सो इट इज़ वेरी कॉमन ना, इसमें इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि अरे इन्होंने तो ये रिव्यू दिया, पेड होगा अच्छा नहीं होगा। भाई, पेड रिव्यूज़ भी जो होते हैं, प्रमोशन जो भी होते हैं, कोलैबोरेशन होते हैं, ये अच्छे हो सकते हैं, लोग ट्राई करते हैं बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट। मैं खुद भी लोगों का रिव्यू देख करके चीज़ें परचेज करती हूँ अपनी लाइफ स्टाइल में। सो आई कैन अंडरस्टैंड, हाँ, इतना बहुत बड़ा टॉपिक बनाने की जरूरत नहीं है इस चीज़ को। एनी वेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रांड। सो अभी लाइक 5 to 6 months हो ही चुके हैं, 3-4 months हो रहे हैं। सो चिकू अभी 9 months की हो गई, वन शी वॉज टर्निंग 6 months और उसका अनप्राशन होने वाला था, हम उसका फर्स्ट फूड स्टार्ट करने वाले थे। देन एट दैट मोमेंट आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मैं क्या करूँ, कौन से प्रोडक्ट परचेज करूँ अनविका के लिए, बेबी के लिए, और जो कि उसके लिए हेल्दी भी हूँ, अच्छे भी हूँ। अब मैं पैक्ड आइटम लूँ, पैक्ड सीरियल लूँ या फिर होम मेड सीरियल बनाऊँ। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने के बाद में, रिसर्च करने के बाद में, मेरा एक पहला एक्सपीरियंस रहा है तो उसे भी ध्यान में रखते हुए मैंने होम मेड सीरियल्स को ट्राई करने के लिए प्रेफरेंस दी और मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मैं बाहर का कुछ भी परचेज नहीं करूँगी। बहुत इजेंशियल अगर कुछ हुआ या फिर ट्रैवलिंग के लिए तो ही मैं कोई चीज़ परचेज करूँगी। और यही सेम चीज़ मैंने अपने ब्लॉग्स में बताई है, मेरे व्यूअर्स को सजेस्ट भी करी है कि आप भी ऐसा करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा और ये हेल्दी भी रहता है ना बेबी के लिए, क्योंकि आपने घर में अपने हाथ से अपने प्यार के साथ वो चीज़ प्रिपेयर करी बेबी को, तो क्यों नहीं हेल्दी होगा, बिल्कुल होगा, है कि नहीं। बेबी केयर से रिलेटेड जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें मैं खुद ट्राई करती हूँ। अगर मैं उसका रिव्यू कर रही हूँ, मैं पर्सनली सेटिस्फाई होती हूँ, मेरा बेबी कंफर्टेबल होता है, उसे अच्छा लगता है, तो ही मैं रिव्यू करती हूँ। बेबी का खाना पीना फूड कोई भी आइटम होता है उसका मैं रिव्यू नहीं करती, आज तक मैंने कोई रिव्यू नहीं किया है। और अगर इन फ्यूचर कभी कुछ करूँगी या फिर किया भी होगा तो वो मेरा खुद का खरीदा हुआ प्रोडक्ट है, मैंने खुद ट्राई किया है, मेरी चॉइस है, मुझे पसंद आया है, नहीं पसंद आया है, दोनों तरह की चीज़ें मैं आपको मेरे ब्लॉग में वीडियोज़ में बताती हूँ। कोई सेपरेट वीडियो आपको इस बारे में मेरे चैनल पर नहीं मिलेगा। कुछ टाइम के बाद में इस ब्रांड का एक कैंपेन चल रहा था अनुष्का शर्मा वाला, जिसमें मोर देन 100 मॉम इन्फ्लुएंसर को इन्विटेशन गया था पेड प्रमोशन के लिए। और ये बहुत ही बड़ा ह्यूज कैंपेन था, बहुत सारे वीडियोस भी आए थे इस पर तरह तरह के, बहुत सारे लोग इसका प्रमोशन भी कर रहे थे एट द सेम मोमेंट, बहुत सारे रिव्यूज और वीडियोस आपको मिलेंगे हर जगह, तो लोगों का इस पर रिव्यू भी आया था। मेरे व्यूअर्स ने उसी समय कि आप क्यों नहीं कर रहे हो इसका रिव्यू, और आप भी प्लीज़ ट्राई करो, हम भी बच्चे का खाना शुरू करने वाले हैं लाइक यू और हम ट्राई करना चाहते हैं, हम वर्किंग मदर हैं,
बहुत सारी ऐसे रिक्वेस्ट आ रही थी और आने लगी इसके बाद से ही. तो मैंने कहा भाई मैंने तो ट्राई नहीं किए, मुझे नहीं पता. मैंने सिर्फ एक जागरी पाउडर जो कि मैंने बिग बास्केट से परचेज किया था, जस्ट बिकॉज मुझे जागरी पाउडर चाहिए था, माई बेबी वॉज टीथिंग, तो मैंने उसे परचेज किया. जागरी पाउडर भी वॉज लाइक ठीक ठीक सा, बहुत ऑथेंटिक तो नहीं कहूँगी मैं, और एकदम बेकार भी नहीं था, ठीक था. मैं दे सकती हूँ, बेबी को दिया जा सकता है ऐसे, तो कंज्यूम कर सकते हो आप. और बहुत ही ईजी टू प्रिपेयर वाला जागरी पाउडर था, तो मैंने उसे बिग बास्केट से परचेज किया. और इसके बारे में मैंने ब्लॉग्स पे बताया भी था आपको रेसिपी के साथ में. उसके बाद और भी लोगों के लिए पैसा आने लगे कि नहीं अभी और भी चीज़ें आप ट्राई करो और हमें बताओ कैसा है, हम परचेज करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं. अब मैं क्या करूँ, मेरे पास ठीक है, मैंने एग्री कर दिया सबको कि नहीं ठीक है मैं ट्राई करूँगी, ओके मुझे समय दीजिए, टाइम दीजिए, तो मैं अपने टाइम से देख करके मंगा करके प्रोडक्ट को यूज़ करके ट्रायल करके खिला के चेक करूँगी कैसा है, खुद भी खा के देखूँगी अच्छा है या नहीं है, उसके बाद ही आपको मैं रिव्यू दे पाऊंगी मेरा. सो मैंने डिसाइड कर लिया था कि ठीक है मैं प्रोडक्ट परचेज करती हूँ. अब इसके जो प्रोडक्ट है ना, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे स्लर्प फार्म की, आपको मिल जाएंगे अमेजोन पे, और भी बहुत जगह हो सकता है कि आपको मिल जाए. तो मैंने सिर्फ कि प्रोडक्ट मुझे ऑथेंटिक मिले, ओरिजिनल मिले, कोई पायरेसी नहीं हो, ये सोच करके मैंने वेबसाइट से इसके प्रोडक्ट परचेज करना का सोचा और मेरे कार्ट में ऐड किया और प्रोसीड कर दिया. ऑनलाइन पेमेंट थी, सो एड्रेस में मैं जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होता है मेरे हस्बैंड का देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो एड्रेस वेरिफिकेशन और लोकेशन का जो भी डिटेल है वो अच्छे से बता पाते हैं मुझे. मैं बेबी के साथ इतना ऑक्यूपाइड रहती हूँ कि मैं नहीं डील कर पाती, तो मैं करती भी नहीं हूँ इस चीज़ में. तो प्रोडक्ट ऑर्डर हो गया, इट वॉज 5th of March. मार्च में फाइनली मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिए और 5 to 6 आइटम्स थे इंक्लूडिंग बेबी सीरियल, ओट्स एंड वो पंजीरी जो है ना न्यू मॉम्स के लिए, वो भी भाई न्यू मॉम्स की भी रिक्वेस्ट थी कि अगर वो घर पर बना नहीं सकती हैं ये पोस्टमार्टम वाले लड्डू तो कैसे बनाएं. तो मैंने चलो चलो ठीक है ये ट्राई करते हैं, अच्छा होगा तो मैं बताऊँगी. ऑल्सो नट पाउडर वगैरह भी था इसमें, मैंने ऑर्डर कर दिया. अब क्या हुआ कि बहुत लंबा ड्यूरेशन वेट करने के बाद लाइक 15 days हो गए, ऑर्डर नहीं मिला, मैं परेशान हो गई. मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ब्रांड को अप्रोच करूँगी कि क्या हुआ, मैसेज करती हूँ, ईमेल करती हूँ कि मुझे जो मेरे प्रोडक्ट हैं वो रिसीव नहीं हुए, ट्रैक करते हैं. तो ऑन द वे ही आ रहा था, देन सडनली मुझे एक दिन मॉर्निंग में ही ऑर्डर रिसीव हुआ. मैंने मेरे हस्बैंड को भी ये चीज़ बोली कि ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहा है, क्या बात है, इतने दिन हो गए, और बिग बास्केट से हमने एक छोटा सा जागरी पाउडर लिया था वो तो 2 दिन में आ गया था, इतना टाइम क्यों लग रहा है. सो वो भी थोड़ा सा सरप्राइज थे कि क्या हो रहा है. तो सडनली मुझे जो ऑर्डर था, एक बड़ा सा बॉक्स रिसीव होता है केक पे, डिलीवरी बॉय वो सेम नाम, आपका नाम आप है, मैंने कहा हाँ यहाँ मेरा नाम, तो आपके लिए पार्सल आया है और मुझे OTP चाहिए. तो मैंने कहा ठीक है जो नंबर आपको दिया गया है एड्रेस पे उस पर कॉल करो, OTP मिल जाएगा. जनरली ऐसे ही होता है जो कि हम पार्सल वगैरह मंगवाते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, शॉपिंग करते हैं, सब में ऐसे ही होता है, सब ऐसे ही OTP वगैरह लेते हैं. उसने बोला कि मैम ये जो नंबर है ये इनवैलिड है, ये नहीं लग रहा है, ये अनअवेलेबल बता रहा है, और क्या क्या सब उसने बोला. तो एड्रेस तो मेरा ही है उसने बोला, और ये जो पैकेज है इसमें बेबी प्रोडक्ट्स हैं. तो मैंने कहा कि आप मुझे दिखाओ मैं चेक करती हूँ. मैंने चेक किया तो वो स्लर्प फार्म का बेबी सीरियल था, जो टेपिंग वगैरह थी उस पर ये लिखा हुआ. तो मैंने कहा अरे भैया ये बेबी फूड प्रोडक्ट हैं और हमने ऑर्डर किए थे, हमारे पास ऑर्डर डिटेल है आप देख लो, और ये हमारा ही प्रोडक्ट है. लेकिन एड्रेस पर जो नंबर था भाई वो गलत था. अब हमने एड्रेस पर हमारा जो नंबर था वो एकदम सही डाला था, हमने क्रॉस चेक किया कि भाई हमसे तो गलती नहीं हुई. तो ये जो गलती थी ये थी टीम की, स्लर्प फार्म का जो वेयर हाउस है जहाँ से सारे प्रोडक्ट डिस्पैच होते हैं, वहाँ के टीम की गलती है. गलत नंबर आया, OTP नहीं मिला, और बंदे ने बहुत वियर्ड तरीके से मुझसे मेरी जो ID थी वो मांगी कि ठीक है OTP नहीं है तो आपको आपकी ID देनी पड़ेगी, आप प्लीज़ अपनी ID दे दीजिए और मैं तभी आपको ये ऑर्डर दे पाऊँगा, मतलब ये जो आपका पार्सल है वो दे पाऊँगा, मुझे ये ID मुझे दिखानी होगी मेरे ऑफिस में, नहीं तो फिर मुझे बहुत सुनना पड़ेगा. मैंने कहा ऐसा क्या डिलीवर कर रहे हो जिसके लिए आपको इतना सुनना पड़ेगा, बेबी प्रोडक्ट है, इस ब्रांड से मैंने ऑर्डर किया है, मेरा ऑर्डर डिटेल मेरे पास है, आप क्यों नहीं दे रहे हो. ऐसा कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, पहला एक्सपीरियंस था मेरा और इतना बकवास एक्सपीरियंस रहा. एंड ऑल्सो वो जो डिलीवरी पर्सन था वो भी बहुत ज़्यादा बकवास था, एरोगेंट था. सो उसने बिल्कुल अड़ गया वो अपनी बात पे कि नहीं दे पाएंगे और आप अपना ID प्रूफ मुझे दे दीजिए, दिखाइए नहीं दे दीजिए. क्यों दे दूँ भाई मैं आपको अपना ID प्रूफ, हु आर यू एंड क्या है ये प्रोडक्ट. सो मात्र 1600-1700 रुपये का प्रोडक्ट था, एक एक सीरियल 500-600 रुपए के बीच में आते हैं जो आप ऑर्डर करते हो अपने बेबी के लिए, इतना पैसा खर्च कर रहे हो और फिर ऐसा होता है. मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, आप देखो प्लीज़ क्या हो रहा है, आप इससे बात करो. उन्हें बात करी, उससे डिलीवरी पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश करी कि भाई अगर ठीक है कोई बात नहीं, एड्रेस तो सही है, नंबर तो सही है, हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स हैं, आप सामान दे दो.
भाई वो अड़ा हुआ था, उसने कहा कि नहीं सर नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, आईडी तो चाहिए होगी। अब उसके बाद मैंने कहा कि अगर ठीक है मैं आईडी नहीं दे सकती, नहीं देना चाहती हूँ या फिर मुझे सही नहीं लग रहा है, इस केस में क्या किया जा सकता है। उसने बोला कि आपका जो पार्सल है उसे हम रिटर्न कर देंगे ब्रांड को जहाँ से आया है। अब मैंने कहा कि यार हद है, एक तो इतनी देर से आप बहस कर रहे हो, उसके बाद लास्ट मिनट आपने इतना एरोगेंस के साथ इतना ठीक है अगर आप आईडी नहीं दे रहे हैं आपका जो पार्सल है वो हम ब्रांड को रिटर्न कर देंगे, ऐसे करके वो बंदा जाने लग गया। तो फिर मेरे हस्बैंड कॉल पे थे, उन्होंने बोला ठीक है आप ले जाओ, हम जो भी रिटर्न रिफंड होगा वो हम देख लेंगे वेबसाइट से। ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था तो ये प्रॉब्लम हुई, उसके बाद वो ऑर्डर रिटर्न पे चला गया, वो गया बंदा। देन मैंने ब्रांड को भी मैसेज किया उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे कि ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे मेरा ऑर्डर नहीं मिला है। उन्होंने बोला ये सोशल मीडिया प्रोफाइल है, यहाँ पर हम कस्टमर को जो होता है उनकी क्वेरीज हम सॉल्व नहीं करते हैं, आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आपको ईमेल आईडी मिलेगी, उस पर आप ईमेल करिए या फिर आप टोल फ्री नंबर से बात करिए। हमने वहाँ से उनको ईमेल किया, मैसेज किया कि ये हमारा ऑर्डर नंबर है, हम कब हमारा ऑर्डर जो है वो रिसीव हो पाएगा हमें। वहाँ से एक रिटेन में अपॉलॉजी मेल आया कि ऐसा ऐसा हुआ है एंड वो हमें जो फ्रेश ऑर्डर है वो करके वो दे रहे हैं और हमें जल्दी से जल्दी रिसीव हो जाएगा। आई वॉज लाइक चलो फाइनली अब हमें मिलेगा, अब कोई गलती नहीं हुई होगी, ऑर्डर करने का भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया प्रोसीजर। आई वॉज वेटिंग अब मिल रहा है, अब मिल रहा है, अब मिल रहा है, ऑर्डर तो आया ही नहीं। फिर बहुत दिन बीत गया, अप्रैल आ गया और एक दिन 7 अप्रैल के आसपास की बात है, फर्स्ट वीक की बात है, मैंने मेल चेक किया, मैंने कहा चलो मेल चेक करती हूँ उससे पता चल जाएगा कि क्या स्टेटस है। मेल में एक फ्रेश मेल आया हुआ था कि आपका जो 2 नंबर आपने डिटेल्स में प्रोवाइड किया था कॉन्टैक्ट में वो दोनों ही नंबर नॉट रीचेबल हैं, उस पर कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, हमारी टीम बार 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 कॉल कर रही है, सो आपका जो नंबर है उस पर किसी तरीके से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम आपका जो अमाउंट है वो रिफंड कर रहे हैं। अब मुझे कोई पार्सल घर पर नहीं रिसीव हुआ, कोई बंदा घर पर नहीं आया बोलने के लिए, कोई कॉल नहीं आया मेरे हस्बैंड के पास में, दोनों नंबर पे कोई कॉल नहीं आया, उनसे एक भी कॉल मिस नहीं होती है, हमेशा मैं देखती हूँ कि एक भी कॉल उनसे मिस नहीं होती है और ये कॉल मिस हुई, क्या था मुझे नहीं पता। देन ठीक है विद इन 7 डेज ये जो रिफंड का मैसेज था, इतनी जल्दी तो मुझे रिवर्ट भी नहीं आया जब मैंने ईमेल किया था, जितना कि रिफंड का मैसेज आ गया फटाफट। और उसके बाद 7 डेज में रिफंड का जो होता है कि अभी रिफंड आपको रिसीव हो चुका है उसका मैसेज आ गया और मुझे रिफंड जो था वो रिसीव भी हो गया। तो मैंने कहा चलो भाई लगता ही नहीं यहाँ पर लेना लिखा था, लेकिन अब क्योंकि व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी उनको वीडियो चाहिए था, रिव्यू चाहिए था, तो करना तो था ही। मैंने बिग बास्केट से ये सारे प्रोडक्ट जो मैंने वहाँ पे ऑर्डर किए थे एक्सेप्ट पंजीरी मैंने सब कुछ ऑर्डर किया और विद इन 3 डेज 2 से 3 दिन में मुझे सारे प्रोडक्ट 2 दिन में रिसीव हो गए, 1-2 दिन में आधे मिले और 3 दिन में आधे प्रोडक्ट मिले, इतनी जल्दी इससे रिसीव हो गया। और स्लर्प फार्म पे चल रहा था 50% ऑफ, तो डिस्काउंट वहाँ चल रहा है, ऑफर वहाँ चल रहे हैं, तो क्या ये डिफरेंस है या फिर क्या डिफरेंस है, आप किस तरीके से अपने कस्टमर को डील कर रहे हो। मैंने एक फीडबैक ईमेल लिखा छोटा सा कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ आपकी ऑनलाइन सर्विस से, सीरियसली मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी, मैं सोचा एक और ईमेल लिखूँ एज अ कस्टमर भी, एज अ मदर भी, एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर भी, कि समवेयर मैंने सफ़र किया बहुत टाइम, मेरे व्यूअर्स को मैंने बोला नहीं आप प्लीज़ वेट करो मेरे रिव्यू का, तो समवेयर मेरे व्यूअर्स भी कहने का सफ़र कर रहे थे मेरे साथ ही, लेकिन मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर ईमेल करती हूँ तो ये ब्रांड के हेड तक तो पहुँचेगा ही नहीं, ये टीम के पास ही रह जाएगा, सो मैं डायरेक्टली मेरी फैमिली से ही बात करूँगी, मेरे यूट्यूब व्यूअर से ही बात करूँगी और जो भी चीज़ें हुई मैं उनको बताऊँगी। सो अगर आप ट्राई करना चाहते हो उस ब्रांड के प्रोडक्ट आप ट्राई कर सकते हैं, मैंने भी ट्राई किया, मुझे सब चीज़ें तो उतना नहीं बोलूँगी मैं, नट पाउडर मैंने आपको बताया ही, सीरियल मैंने आपको बताया ही, ओट्स मुझे ठीक लगा, सो ओट्स मेरे बेबी को भी पसंद आया और मैंने भी ट्राई किया, मुझे ठीक लगा, आप ट्राई कर सकते हो, ये रोल्ड ओट्स थे सर्फ फार्म के और बाकी सारी चीज़ें लाइक ओके ओके थी, चिकू को बहुत खास पसंद नहीं आई, उसने सिर्फ 2 स्पून खाया, बस इट उसने छोड़ दिया। सेवैयाँ भी ठीक ठाक थी, बहुत पसंद नहीं आई, नूडल्स अभी तक मैंने नहीं बनाया है, सो नूडल्स पास्ता सेवैयाँ ये सारी चीज़ें जो होती हैं नो मैदा वाले जो चीज़ें होती हैं वर्मिसली वगैरह ये आप ट्राई कर सकते हो, ले सकते हो, बाकी बेबी सीरियल वगैरह है, बेबी प्रोडक्ट है, नट पाउडर वगैरह है, ये तो मैं बहुत ज़्यादा तो मैं एकदम रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन अगर आपकी इच्छा है ट्राई करना चाहते हो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, ट्राई करोगे तभी पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, आपको सूट हो रहा है या नहीं। प्रोडक्ट ठीक ठाक लगे मुझे, बहुत ज़्यादा जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल नहीं हुई। हाँ इंस्टेंट प्रोडक्ट है, अगर आपके पास टाइम कम है, हैसल फ्री आप चाहते हो चीज़ें तो ऑर्डर करो, यूज़ करो, बना करके खिलाओ और ठीक है, बाकी सारी चीज़ तो ठीक है। और दैट्स इट, मुझे ऐसा लगता है आपकी जितनी क्वेरीज थी, क्वेश्चंस थे,
रिव्यू तो मैंने आपको बता दिया, यूज करके भी दिखा दिया, खिला के भी दिखा दिया, और आपको अब समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। सो ये आपकी चॉइस है, आप ट्राई कर सकते हो एंड खिला सकते हो, यूज़ कर सकते हो। मैंने भी ट्राई किया है, आगे भी ये प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, कर रही हूँ भाई, पैसा वेस्ट नहीं होने दूंगी, मैं यूज़ करूँगी चीज़ें। तो मेरे अकॉर्डिंग जो फाइनल रिव्यू जो है मेरा, ठीक ठीक एवरेज प्रोडक्ट है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गेट देम एंड इट्स ऑल अप टू यू। मौसम सडनली चेंज हो गया और एकदम से बारिश हो गई और बहुत ही अच्छी वाली वाइब आ रही है। इतना भयंकर मौसम हो गया कि बस पूछो मत। और ये देखो चीकू है, हम ये किचन में बैठ गए, लाइट बहुत काम आ गई। आ गए। और पापा पापा तो कितनी बार बोली थी, पापा 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 पापा, पापा, पापा।